प्रयागराज की तहसील कोराओं के ब्लॉक मांडा के उपरोध क्षेत्र के हाटा मार्केट में कल कई गांवों के किसानों ने मिलकर धरना देते हुए भारत बंद का समर्थन किया। यहां धरना प्रदर्शन भी किया गया जिसमें व्यापारियों और दुकानदारों ने भरपूर सहयोग दिया। यहां हमारे सहयोगी उमाशंकर कुशवा ने लोगों से वार्ता की। पूरे मार्केट में घूम रहे हैं, सारी दुकानें बंद करा, बंद है सारी दुकान, बंद करके सब लोग किसानों के समर्थन में उपस्थित हो गए हैं। सभी व्यापारी किसान, सभी जो भी व्यापारी किसान है, सब किसान ने बंद करके किसानों का समर्थन चल रहा है। यहाँ की सारी दुकानें बंद हैं, यहाँ जो है किसानों के सुरक्षा में थाना मांडा पुलिस टीम लगी हुई है। सामने आपको ऐसा साहब की गाड़ी खड़ी है जो आपकी गाड़ी दिखाई दे रही है, और हमारे सामने जो है हमारे किसान भाई एकत्रित हैं। हम चलते हैं उनके पास और उनसे पूछते हैं उनकी समस्याओं के विषय में, जानना चाहते हैं उनकी क्या समस्याएँ हैं और आज भारत बंद का क्या है। हम पहुँचते हैं, हमारे सामने खड़े हैं किसान, आपसे हम जानना चाहेंगे। आपका शुभ नाम? मणिराम सिंह। आपकी क्या समस्या है? भारत बंद का आह्वान जो किया गया है इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है जो ये सरकार है किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रही है, और अडानी है और अंबानी के लिए जो है कर रही है, न उसका एमएसपी का कोई कानून ला के लाई है, न उस पर है, उस पर खरीद नहीं होता है। गल्ला पानी बिजली कितनी महंगी है किसानों के लिए, जो बड़ी परेशानियां हो रही है। गल्ले की बिक्री की कोई ऐसी गारंटी नहीं दे रही है सरकार की। हाँ, हम तो एमएसपी पर लेंगे, एमएसपी तो घोषित कर देती है, वो केवल व्यापारियों के लिए कुछ फायदा होता, व्यापारी गल्ला लेती है किसान से 1200-1300 रुपये क्विंटल यही धान खरीदा जाता है। इस सरकार को ये काला कानून जो विधेयक लाई है उसको शीघ्र वापस करना चाहिए। धरने आज 7-8 महीने से चल रहा है धरना, और ये सरकार गूंगी बहरी होकर के अनसुनी की। अब तक 50 से सैकड़ों के बीच किसान वहाँ ठंडियों पर गर्मियों में मर चुके हैं, वहाँ पंजाब और दिल्ली के बॉर्डर पर। इस सरकार को इस पर तुरंत अपने काले कानून को वापस लेना चाहिए, यही हम लोगों का उद्देश्य है कि अब किसानों के लिए जो भी सुविधाएं हो उसे उपलब्ध कर, विशेषकर एमएसपी को कानून बनाए, जो एमएसपी का रेट आता है उससे नीचे जो लेता है वो खरीदता है, उसके खिलाफ मुकदमा कायर करा सके किसान, ये हम चाहते हैं। ठीक है भाई, आप लोगों ने देखा कि हमारे बीच में हमारे बड़े बुजुर्ग किसान मणिराम सिंह ने बताया कि सरकार गूंगी बहरी है, किसानों की समस्याओं को नहीं सुन रही है और किसानों को अनेक प्रकार की परेशानियां हैं। बता दें कि कल पूरे देश भर में किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया था, लेकिन ये बंदी आंशिक दिखी। लेकिन एक न्यूज चैनल से बात करते हुए किसान नेता राकेश टेकर ने कहा कि एक साल से किसान आंदोलन चल रहा है, हम पूरे देश में जा रहे हैं, जहाँ पर चुनाव हैं या नहीं है हम हर जगह जाकर आंदोलन करेंगे। भारत बंद सफल रहा। आप देख रहे थे दर्शक 24 की रिपोर्ट।